Welcome to CI International School Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने चैप्टर पढ़ा था मार्केट अराउंड अस, इसकी कंप्लीट रीडिंग कर चुके थे. इसमें हमने वीकली मार्केट के बारे में पढ़ा. वीकली मार्केट वो प्लेस है जहां पर लोग जो है सामान को खरीदते हैं एक साप्ताहिक बाजार से. साप्ताहिक बाजार इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये सप्ताह के किसी एक स्पेशल दिन लगता है, किसी एक दिन, जैसे मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, किसी एक दिन. फिर हमने उन शॉप्स के बारे में पढ़ा जो हमारे नेबरहुड है, ये परमानेंट शॉप्स हैं, हम यहाँ पर सप्ताह के किसी भी दिन जा सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमने शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा कि ये सब जो है फुली एयर कंडीशनर्स होते हैं और यहाँ पर जो बिकने वाली चीजें हैं उनका रेट काफी ज्यादा होता है. हमने मार्केट की चेन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जो सामान है सबसे पहले फैक्ट्रीज में बनता है, देन वो फैक्ट्री से बहुत लार्ज क्वांटिटी में सामान होलसेलर खरीद लेते हैं. होलसेलर से वो सामान रिटेलर तक पहुंचता है और रिटेलर वो व्यापारी होता है जिससे सामान कंज्यूमर यानी कि कस्टमर तक पहुंचता है, मींस हम यूज करते हैं. तो बेटा आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, चलिए डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, डिफाइन मार्केट यानी कि बाजार को परिभाषित करें. मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग अकर्स. मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट एक वो स्थान है वेयर बाइंग, बाइंग मतलब खरीदना, जहां पर खरीदना और सेलिंग मतलब बेचना, जहां पर खरीदना और बेचना होता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं. ठीक है, आप देखते हैं हम लोग मार्केट जाते क्या करते हैं, हम लोग वहां से चीज खरीदते हैं और जो वहां पर दुकानदार है वो उन चीजों को बेचते हैं. तो एक ऐसा स्थान जहां पर खरीदना और बेचना होता है उसे हम मार्केट या फिर बाजार कहते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई आर वीकली मार्केट सो कॉल्ड. वीकली मार्केट सो कॉल्ड मतलब इसे साप्ताहिक बाजार क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं इसे साप्ताहिक बाजार. अ वीकली मार्केट इज कॉल्ड सो बिकॉज इसे साप्ताहिक बाजार इसलिए कहा जाता है. इट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, क्योंकि ये सप्ताह के किसी एक स्पेसिफिक डे लगती है, किसी एक स्पेसिफिक, किसी एक निश्चित दिन लगती है. मीन्स यदि मंडे को लग गई तो मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, संडे मार्केट, सप्ताह की किसी भी दिन लग सकती है. किसी एरिया में संडे मार्केट लगती है, कहीं मंडे मार्केट, कहीं पर फ्राइडे मार्केट, ऐसे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई डू पीपल गो टू अ वीकली मार्केट, गिव थ्री रीजंस. व्हाई डू पीपल गो टू अ वीकली मार्केट, लोग साप्ताहिक बाजार में क्यों जाते हैं, गिव थ्री रीजंस, कोई तीन कारण बताने हैं. ठीक है, पीपल गो टू अ वीकली मार्केट बिकॉज थिंग्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स, क्योंकि थिंग्स जो वहां पर वस्तुएं हैं वो हमें उपलब्ध हो जाती हैं एट चीपर रेट, बहुत ही सस्ते दामों पर, क्योंकि साप्ताहिक बाजार में हमें जो भी चीजें मिलती हैं उनकी कीमत बहुत कम होती है. नंबर टू, ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस, और जो जितनी भी ज्यादातर जो चीजें हैं वो हमें एक ही स्थान पर मिल जाती हैं. देखिए वीकली मार्केट में हमें एक स्थान पर मिल गई है, इसका बेनिफिट है, इसलिए लोग यहाँ जाते हैं. नहीं तो आप देखिए हमें अलग अलग चीजों को खरीदने के लिए अलग अलग बाजारों में जाना पड़ता है, लेकिन वीकली मार्केट में ये सारा का सारा सामान हमें एक ही जगह पर मिल जाता है. नंबर थ्री, पीपल हैव अ चॉइस व्हाइल शॉपिंग इन अ वीकली मार्केट, और एक साप्ताहिक बाजार में शॉपिंग करते समय लोगों के पास चॉइस होती है. मींस बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं एक जैसे सामान की, तो उनके पास चॉइस होती है कि सामान यहाँ से लें या वहां से लें. कोई भी व्यापारी उनसे ज्यादा कीमत नहीं ले सकता, अगर वो ज्यादा कीमत मांगता है तो वो किसी दूसरे व्यापारी के पास चले जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए जो है लोग वीकली मार्केट में जाना पसंद करते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर, हु आर द सेलर्स इन वीकली मार्केट. एक साप्ताहिक बाजार में सेलर्स, सेलर्स यानी कि बेचने वाले कौन होते हैं. व्हाई डोंट वी फाइंड बिग बिजनेस पर्सन इन मार्केट्स, और हम वहां पर बड़े बड़े व्यापारियों को इन मार्केट्स में क्यों नहीं देखते, मतलब जो सेलर्स है. ठीक है, कौन होते हैं साप्ताहिक बाजार में, जो सामान बेचने वाले कौन है,
और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो यहाँ पर क्यों नहीं होते, ये हमने बताना है। द सेलर्स इन द वीकली मार्केट आर द स्मॉल ट्रेडर्स, जो व्यापारी होते हैं साप्ताहिक बाजार के वो छोटे व्यापारी होते हैं, जो बेचने वाले हैं ना होते हैं ना, जो मतलब दुकानदार होते हैं वो छोटे व्यापारी होते हैं। हु एस्टैब्लिश देयर शॉप फॉर अ सिंगल डे, जो सिर्फ एक दिन के लिए अपनी दुकान को लगाते हैं, एंड स्टोर थिंग्स एट होम, और फिर सारा का सारा सामान अपने घर पर स्टोर करते हैं। बेटा ये छोटे व्यापारी होते हैं जो प्रतिदिन सामान लेकर आते हैं और रोड के किनारे पर साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, ठीक है, अपनी दुकान को स्थापित करते हैं, सारा सामान सजाते हैं, और उसके बाद जैसे ही शाम हो जाती है ये वहाँ से अपना सारा सामान ले जाते हैं अपने घरों की तरफ, और ले जाकर उन्हें फिर घर में स्टोर करते हैं, और नेक्स्ट डे वो फिर किसी दूसरी मार्केट की तरफ जाते हैं। बिग बिजनेस पर्सन आर नॉट सीन इन दीज मार्केट्स, बड़े बड़े जो बिग बिजनेस पर्सन हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो इन बाजारों में नजर नहीं आते, बिकॉज क्योंकि द आइटम बॉट एंड सोल्ड, क्योंकि जो सामान यहाँ पर खरीदा और बेचा जाता है इन दीज मार्केट्स, इन बाजारों के अंदर आर नॉट ब्रांडेड, वो ब्रांडेड नहीं होता, वो कम कीमत का सामान होता है। तो जो बड़े बड़े बिग बिजनेस पर्सन हैं वो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो जो बड़े बिग पर्सन हैं वो ब्रांडेड सामान को बेचने में अपना इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाते हैं, वो इस टाइप के सामान को बेचने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इसीलिए वो इन मार्केट में हमें नज़र नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई आर द थिंग्स चीप इन द वीकली मार्केट, एक साप्ताहिक बाजार के अंदर थिंग्स जो चीज़ें होती हैं चीप, वो सस्ती क्यों होती हैं? साप्ताहिक बाजार में मिलने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत कम क्यों होती है, या वो सस्ती क्यों होती हैं? थिंग्स आर चीप इन द वीकली मार्केट बिकॉज, जो भी चीज़ें हमें वीकली मार्केट या साप्ताहिक बाजार में मिलती हैं वो सस्ती होती हैं, क्योंकि नंबर 1, द शॉप्स एस्टैब्लिश आर नॉट परमानेंट, जो भी दुकानें वहाँ पर स्थापित की जाती हैं आर नॉट परमानेंट, वो स्थायी नहीं होती। मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, जो व्यापारी हैं वो दिन के समय अपनी दुकान को लगाते हैं और शाम होने के बाद वहाँ से अपनी सामान को ले जाकर अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं, तो ये दुकानें परमानेंट नहीं है। सेकेंड, द ओनर देमसेल्फ मैनेज द शॉप विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर, और जो ओनर है, जो इन दुकानों का मालिक है, वो अपनी दुकान को खुद ही मैनेज करता है, खुद ही देखभाल करता है पूरी दुकान की विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, और इस काम में जो उसके परिवार के मेम्बर्स हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो उसकी मदद करते हैं। तो उसे बाहर से वर्कर्स हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ती वर्कर्स को, इसलिए भी वहाँ सामान सस्ता होता है। नंबर 3, दे डोंट हैव देयर शॉप्स इन परमानेंट बिल्डिंग, और उनकी किसी एक स्थायी बिल्डिंग के अंदर दुकान नहीं होती, क्योंकि वो रोड के किनारे पर लगाते हैं। वेयर सो दे डोंट हैव टू पे रेंट, जहाँ पर उन्हें कोई किराया नहीं देना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना होता, फी टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कोई फीस नहीं देनी पड़ती, एंड वेजेस टू देयर वर्कर, और ना ही अपने वर्कर्स को कोई वेजेस किसी प्रकार का वेतन देना होता है। इसीलिए जो साप्ताहिक बाजार है उसके अंदर मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो हमें सस्ती कीमत में मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड सुजाता कैरी अ नोटबुक, कि सुजाता ने अपने साथ नोटबुक क्यों कैरी की थी, अपने पास एक नोटबुक क्यों रखी थी। डू यू थिंक दिस सिस्टम इज़ यूजफुल, क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम यूजफुल है। कैन देयर बी प्रॉब्लम्स, क्या इसमें कोई समस्या आ सकती है। आपने देखा होगा कि जब सुजाता अपने नेबर की एक दुकान में एंटर करती है, ग्रोसरीज की दुकान के अंदर, तो आपने देखा होगा कि वो अपने साथ एक नोटबुक लेकर आती है। जब वो सारा सामान खरीद लेती है तो वो उस नोटबुक को मालकिन, दुकान का जो ऑनर है, उसको देती है, और वो उसमें उसका अमाउंट लिख देते हैं कि उसने उसमें कितने का सामान खरीदा, और उसके बाद जो दुकान की मालकिन है वो अपने रजिस्टर में भी उस अमाउंट को चढ़ा लेती है, और महीने के फर्स्ट वीक के अंदर जब उन्हें सैलरी मिलेगी तो वो उसको पूरा का पूरा चुका देंगे, ठीक है। तो सुजाता कैरी अ नोटबुक टू गेट द अमाउंट रिटर्न बाय द ट्रेडर, तो सुजाता अपने साथ नोटबुक को रखती है टू गेट द अमाउंट रिटर्न बाय द ट्रेडर, ताकि जो व्यापारी के द्वारा उसमें वो अमाउंट लिखवा सके कि उसने वहाँ से कितने का सामान खरीदा है। विच शी परचेज्ड ऑन अ क्रेडिट, क्योंकि वो सारा सामान उसने क्रेडिट यानी उधार लिया है, जो भी सामान उसने उधार लिया है
व्यापारी के द्वारा उसका अमाउंट उसमें लिखवा लिया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यदि वो खुद लिख लेगी तो व्यापारी ये कह सकता है कि आपने ज़्यादा का आइटम लिया या कम, तो व्यापारी जो है अपने हाथों से ही लिख देता है उसकी नोटबुक में कि आपने इतने का सामान लिया, और उसके बाद वो अपने रजिस्टर में भी चढ़ा लेता है। दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर दोज हु अर्न लो मंथली इनकम। ये सिस्टम उन सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा जो जिनकी मंथली इनकम, जो एक महीने की इनकम होती है ना, काफ़ी कम होती है। मतलब जितनी भी इनकम होती है उसी के सहारे उन्हें पूरा महीना गुजारना होता है, ठीक है। इफ़ ऑनेस्टी इज देयर कैन बी नो प्रॉब्लम, अगर इसमें ईमानदारी होगी तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई भी समस्या नहीं हो सकती। मतलब ईमानदारी से दुकानदार ने उसमें जितना अमाउंट लिख दिया, ईमानदारी के साथ जो सामान लेने वाला व्यक्ति है जब उसको सैलरी मिलेगी तो वो पूरा का पूरा अमाउंट उनका चुका देगा, तो कोई समस्या ही नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से हमने आज ये 6 क्वेश्चन किए जिसमें हमने जाना बाजार क्या है, हैं, वीकली मार्केट को साप्ताहिक बाजार को साप्ताहिक बाजार क्यों कहा जाता है, लोग वीकली मार्केट में जाना क्यों पसंद करते हैं, और सेलर्स कौन होते हैं वीकली मार्केट में, बड़े बड़े जो बिग पर्सन्स हैं वो इन मार्केट्स में क्यों दिखाई नहीं देते हैं, और इन मार्केट्स में मिलने वाला सामान सस्ता क्यों होता है। और साथ में हमने ये क्वेश्चन भी जाना कि जो सुजाता ने अपने साथ नोटबुक लेकर रखी थी ये सिस्टम क्या यूज़फुल है या नहीं। तो ये बेटा हमने ये सभी क्वेश्चंस किए हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिए, लर्न कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए। हैंडराइटिंग आपकी बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कोई भी माइनर सी मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। आप लोग लिखने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेना कि कहीं पर कोई स्पेलिंग आपने गलत तो नहीं लिखी है, ठीक है बेटा। ओके, इससे आगे के क्वेश्चंस हम कल करते हैं।